गाइस, मायसेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू मी चैनल। आप लोग देख रहे हो कि मैं पूरी तैयार हो गई हूँ और एकदम वेडिंग गेस्ट लुक के लिए परफेक्ट लुक क्रिएट किया है मैंने, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं अपने विलेज जा रही हूँ, मतलब जहाँ मेरा मामा घर है। आज से 8 साल पहले मैं गई थी लास्ट, उसके बाद मेरा 4 साल हो गया शादी। 8 साल हो गया कि मैं मामा घर नहीं गई। पता भी नहीं है अभी माहौल कैसा हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, और जो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को लेके, और मेरी फैमिली भी साथ में जा रही है। तो मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि वो लोग पहली बार शाकिब को देखेंगे और मेरे मामा की लड़की का शादी है, इसी कारण हम लोग जा रहे हैं। सो मैं क्वाइट नर्वस भी हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पापा सब वहाँ पे हैं। मैं आप लोगों के साथ जरूर मिलवाऊंगी उनको, और मेरा पूरा फैमिली है वहाँ पे। तो आगे आगे चलो, मेरे विलेज में कैसा लाइफस्टाइल है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाइज, वीडियो को पूरा देखना। आई होप कि नया व्लॉग है, मैं नहीं तो अपना लाइफ मतलब स्टाइलिंग, शॉपिंग, मेकअप दिखाती हूँ। आज थोड़ा सा अलग व्लॉग है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। सो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। और मेरा चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है, मैं पसंद आती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना। तो मैं बहुत नर्वस हूँ गाइस, तो फर्स्ट टाइम है मैं अपने साथ आप लोगों को भी लेके जा रही हूँ, और आप लोग क्योंकि मेरा लाइफ में आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो अभी। और थैंक यू गाइस फॉर 20K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। और हम लोग एक कार बुक किए हैं, सो कार आ गया है, ऑलमोस्ट नहीं आ गया है, रुके है, और अभी हम लोग जाएंगे। मैं आप लोगों को बाहर जाके अपना ड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। मैं जाऊंगी बहुत दूर, मेरा मामा घर है आमता, बहुत दूर का रास्ता है, 1 घंटा लगेगा यहाँ से मेरे घर से। तो मैं जाते जाते आप लोगों से बात करूंगी, शेयर करूंगी। अगर रास्ता में शायद कुछ नहीं होगा तब भी थोड़ा सा रोड वगैरह ये मेरा मेमोरी में रह जाएगा। सो गाइस, शाकिब रेडी हो गया है आज पूरा एकदम जमाई, तो क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं ही दूल्हा लग रहा हूं जमाई, हाँ दूल्हा की तरह ही रेडी हुआ है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम जा रहा है इसीलिए। और साथ में है शीला भी रेडी हो गई है सुंदर से। आप लोग बोलना हम लोग कैसे लग रहे हैं। और ऑलरेडी सोनू कार के अंदर चली गई है, और मेरा जो कि भाषुर के की बोले मेरा दादा ही है, चलो वो आ रहा है, अभी तक नहीं आया, तो हम लोग कार में जाके बैठ जाते हैं। बांगाली तो हमें देखे सबाई जाने, हमें बांगला ही बोल ली, भाषुर के जेठ 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 जी, हाँ तो वो भी आएंगे, तो हम लोग बैठ जाते हैं कार में और सवारी स्टार्ट कर देते हैं। सोनू तो हंस ची, हमारा गोदी लेने बोल रही है, कार के अंदर भी उसको गोदी लेना है। हालत खराब हो गया पूरा, अभी भी जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे सोनू क्या करे, उसका मम्मी का ना नेकपीस भी उसने तोड़ दिया पूरा, उसका पापा गया है लाने कुछ। तुम्हें एक तो चुप कर बे, देखो इधर सब देखे गया, किंतु इधर देखे गया, देख देखे जा इतना कर रही है ना, परेशान क्या बोले इतना, उसकी मम्मी का तो पूरा मेकअप खराब कर दिए, हार भी नेक पीस भी उतार दी है, मेरा साड़ी भी ऑलमोस्ट शायद लग रहा है खुल गया नीचे की तरफ, ऐसा करे। देखो आप लोग बस देखो इसको, कुर्चे सुनो इनम कुछ भूत भागा, अरे बाप रे बाप, इसको डर बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल डरती नहीं है, किसी से नहीं डरती। तो उसका चिप्स आ गया, देखो आप कितना खुश हो जाएगी। तो अभी भी बहुत सारा रास्ता है, मतलब मेकअप वेकअप करके ना इतना टाइम लगता है जाने में कि क्या बोले।
बहुत ज्यादा गर्मी भी है, बहुत ज्यादा एसी भी मतलब काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा हेवी पहने, हम लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, उसको उल्टी आ रहा है, इसीलिए हजमोला। और सोनू के लिए इधर, सोनू इधर के धीरे चिप्स दीदी दे दीदी ना किसी को चिप्स नहीं देगी। तो हम मतलब बोर हो गए यार, पूरा बोर, गाना भी नहीं चल रहा यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ कब तक जाके पहुँचूंगी, और इसको तो भूख भी लग गया, इतना जल्दी भूख भी इसको लग जाता है, ज्यादा भूखकर है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, इतना तब भी ये स्लिमी है, मोटी नहीं होती, हाई मेंटेनेंस का एक रीजन है, क्या है पता नहीं, बोलेगी शायद आप लोगों को बाद में। सो चलो वहाँ मैं और गाड़ी में कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगी, वहाँ पहुँच के ही मैं शूट करूंगी क्योंकि मेरा हालत बहुत खराब हो रहा है। रास्ता देखिए एकटूखानी, ओके मैं आप लोगों को रोड दिखाती हूँ थोड़ा यहाँ का, क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद आ रही हूँ, आप लोग भी देख लो। हम लोग पहुंच गए हैं और पीछे है वो है हमारा घर, और आगे चलो क्या डेकोरेशन है वो दिखाते दिखाते जाएंगे। आई एम लिटिल नर्वस और मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बट चलो हाय। हम लोग जा रहे हैं अभी घर की तरफ, और ये पूरा रोड गौर किया हुआ है, क्या कर रही है तुम? अभी सोनू को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे कोप अप करने में, हम भी इतना दिन बाद आए तो सोनू का तो क्या ही बोले। ये देखो ये है मेरे पापा, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, पर अभी नहीं सुना पाएंगे शायद, बाद में सुना देंगे। ना गाना सुना से कॉपीराइट आएगा। हाँ गाना सुनाने से अभी कॉपीराइट आएगा, तो अभी हम लोग सोनू का थोड़ा सा मतलब घुमा रहे इधर उधर घुमाएंगे, वो थोड़ा सा सैड हो गई है। चलो आप लोग भी देखो, तुम सैड हो गई हो, देखो अंदर की तरफ ऐसा डेकोरेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं दुल्हन बैठेगी, ठीक है यहाँ पे दुल्हन बैठेगी, और हम लोग ऊपर भी चलेंगे, और हमारा वहाँ पे जो घर है वो भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चलो चलो हम लोग ऊपर जाते हैं, मुन्नू आंसू कपड़े ऊपर जाते हैं, ठीक है के नो। या तुम जाके अंदर खड़े ही हो जाओ। दादू और दीदा यहीं पे रहते थे, अभी मतलब बहुत सुंदर है, यही मतलब ये अभी पंडाल किया हुआ है, नहीं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता, अभी तो घिरा है ये पंडाल से। किगो कैमन आछो, ये रिया की मम्मी का पुराना घर है, देखो मिट्टी का है, पहले टाइम में जैसे होता था, और ये तो शादी का गिफ्ट आया हुआ है, गिफ्ट नहीं है तोत्तो, जिसको तोत्तो बोला जाता जिसको है। बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो जिसका शादी है हम उनसे मिलाते हैं आप लोगों को। एक मिनट यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। सो ये है मेरी सिस्टर, और आज इसका शादी है, तो आप लोग कमेंट में इसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार और गुड विशेस भेजना, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इसका जब अभी तक इसका हस्बैंड मतलब उड भी हस्बैंड ही हो जाएंगे, जब आएंगे तो हम मिलाएंगे, ठीक है, और सबको हाई बोल दो, और आप सब इसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना, और गाइज जब इसका हस्बैंड आएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शादी चल रहा है, तो हम ज्यादा बात नहीं कर,
सो गाइस मैं अपने मम्मी से मिलाती हूँ। सो हियर इज माय मॉम। देखो आप लोग और बोलो तुम्हें की बोलते चाहिए तुम्हारा ओके जमन भालो बसो आरो भालो बसबे। सो गाइस वो ये बोलना चाह रही है कि आप लोग मुझे जितना जैसे सपोर्ट करते हो ऐसे ही सपोर्ट करना, ऐसे ही मेरे साथ में रहना, यही बोलना चाह रही है क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है कि वो आप लोगों को हिंदी में समझाए, इसलिए मैंने हिंदी में बोल दिया। अभी मैं निकली हूँ थोड़ा सा ठहरने, यहाँ पे पीछे स्टॉल वगैरह बैठा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ सैर क्या बोल रही है शीला, शीला की बेटी क्या कहाँ गई है, कहाँ घूम रही है पता नहीं। चलो हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं। এই দেখো মাম্মা আরেকটা কার্টুন। ও মাই গড, কত কার্টুন রে ভাই। अभी बहुत भूख लग गया है तो डिनर करेंगे अभी क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है पर मतलब अभी खाना वाना खा के हम लोग निकल जाएंगे, बहुत दूर जाना है आप लोगों को पता ही है। अमाया की खाचो देखी जाओ तो सवाई की खाचे अमाया फिश फिंगर खा रही है। हाँ बाबा कैमन खेते मामा कैमन खेते तो यहाँ पे है मेरी दो सिस्टर ये और पिंकी और दोनों मेरे मतलब मेरे चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आप लोगों की तरह ही। तो सबको मैं बाय कर देती हूँ, सबको बाय करने का टाइम आ गया, बाय कर दो साहब, सबसे मिलेंगे जल्दी, आज तुम लोग भी आना मेरे घर, बाय 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 बाय। चलो अभी घर जाने का टाइम हो गया है, सुनीता को बाय बाय बोल देते हैं। तीन के खेल रुको तो चलो सुनीता को बाय बोल देते हैं। बाय 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 भालो थाकी सबके देखलाम खूब सुंदर देखते भालो थाकी चलो बाद में बात करते हैं। गाइस अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं और हम लोगों को जाने में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग जाएंगे और सोनू बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि आइसक्रीम खाना है नहीं खाना है झूठा आइसक्रीम दे रही है। अब सोनू एकदम रह नहीं रही है, बहुत रो रही है, उसको घर जाना है और मेरा घर पीछे मैं मिस करूंगी। तो चलो हम लोग घर जाते हैं। और गाइज मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, मेरा ये लाइफस्टाइल जो आप लोग देखना चाहते हो कि रियल में हम लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, एक्चुअली कहाँ रहते हैं क्या एंड ऑल, सो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नर्वस होके वीडियो बनाया, पता नहीं कैसा हुआ है, पर प्लीज एक लाइक कर देना और यहाँ गाना बज रहा है मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।